बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना आमिर। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो की बर्फ़ी। तो इसके लिए यहाँ पर हमने लिए पिसा हुआ खोपरा लिए 2 कप। इसके अलावा मिल्क पाउडर जाएगा इसमें 5 टेबल स्पून। यहाँ पर पिस्ते हैं लिए हैं गार्निशिंग के लिए थोड़े से। 3 से 4 इलायचियों के बीज निकाल कर हमने इनको पीस कर रखा हुआ है। इसके अलावा 5 टेबल स्पून यहाँ पर चीनी जाएगी। और ये एक हमने बड़ा साइज़ का मैंगो लेकर उसकी स्किन उतार कर उसको कट करके ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया था। तो यहाँ पर हमारे पास मैंगो प्यूरी है 1 आम की। इसके अलावा यहाँ पे 1 टेबल स्पून जाएगा घी। आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक पैन लिया है, इसमें 1 टेबल स्पून हम घी ऐड करेंगे। इसको गर्म करेंगे हल्का सा। घी मेल्ट होगी, अब हम इसमें मैंगो प्यूरी ऐड कर देंगे, चीनी ऐड कर देंगे। इसको मीडियम टू लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और इसमें हमने जो यहाँ पर लिया था मिल्क पाउडर ये भी ऐड कर देंगे। इसको पकाएंगे अच्छे से। तीन से चार मिनट लगेंगे इसको पकाने में। 3 से 4 मिनट हो गए, चीनी मेल्ट हो गई है। इसको हमें अभी थोड़ा सा और पकाना है, 1-2 मिनट के लिए और। इसको छोड़ना नहीं है वरना ये है कि ये लग सकता है। दो मिनट हो गए इसको। बस अब हम इसमें पिसा हुआ खोपरा ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो रहा है। ये बहुत ही झटपट रेडी होने जाने वाली बिल्कुल मिठाई है और बहुत ही मज़े की बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और राइट साइड पर जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ये देखें, इसको चमचा चलाते रहना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। ये देखें, मैंगो की मिठाई जमने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। आप चाहें तो इसमें वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं या केवड़ा वाटर, इनमें से आपकी चॉइस है कि आप कुछ भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें यूज़ नहीं कर रही हूँ। बस हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और जिस हमें सर्विंग डिश में इसको जमाना है उसको ग्रीस कर लेंगे और इसको सेट कर देंगे। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमने प्लेट को ग्रीस करके रखा हुआ है। अब हम इसमें ये मैंगो की जो हमने बना के रखी है मिठाई ये इसमें डालेंगे और इसको सेट करेंगे। चीनी आप चेक कर लीजिएगा और घी इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है, जितना मैंने आपको बताया बस उतना ही डालना है। अब इसको सेट करते हैं। इस मिठाई को बनने में ज़रा भी देर नहीं लगी है और ये फौरन ही रेडी हो गई है। बस इसको सेट कर लेते हैं। मिठाई सेट हो गई। अब हम इसमें पिस्ते को हमने काट के रख लिया था ये डाल देंगे इसके ऊपर। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इसको हल्के हाथ से दबा देंगे ताकि ये इसमें सेट हो जाए। ये देखें ये सेट हो गए हैं। बस अब हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फिर जब ये जम जाएगी तो फिर आपको कट करके इनके पीस दिखाते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त मिठाई लग रही है, ये जमने के लिए रेडी है। 3 घंटे हो चुके हैं और मिठाई एकदम सेट हो गई है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखें, ये देखें पीसेस हमने कट कर लिए। अब इनको निकाल लेते हैं। पीसेस को कट कर लिए, अब हम इनको लेंगे और ये पीसे हुए खोपरे में इनकी कोटिंग करेंगे। ये देखें और ये इस तरह से बनकर रेडी हो जाएंगी। और बस अब हम सबको ऐसे ही कोट करते रहेंगे खोपरे में। ये देखें ये इतनी अच्छी सॉफ्ट बनी है। आप इनको घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे प्लीज़ कमेंट्स करें। ये देखिए हमने सब मिठाई को खोपरे में कोट कर लिया है, ये हमारी मिठाई रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।